जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और राजेंद्र नगर के विधायक राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इंदरपुरी क्षेत्र के ईएईजी ब्लॉक में पानी की नए पाइपलाइन का उद्घाटन किया और वहां के निवासियों को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें पानी की सप्लाई को लेकर कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से यहां के निवासियों को काफी समय से अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही थी। जब दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष को इस टूटी पाइपलाइन के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इसे बदलने और नई पाइपलाइन लगाने का निर्देश दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदरपुरी के ईएईजी ब्लॉक निवासियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे खुशी है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने लगातार काम करके इस परेशानी को दूर किया। मुझे भरोसा है कि अब इस इलाके के लोगों को उचित और लगातार बिना किसी रुकावट के पानी की सप्लाई मिलती रहेगी। राघव चड्ढा ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आने वाले हर क्षेत्र में लगातार पानी पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि इस बार त्योहारों के समय में हमें कोविड-19 ने कितना ज्यादा प्रभावित किया है। मेरा मानना है कि हमारे शहर की जल आपूर्ति को बढ़ाने का यह एक मजबूत कारण है ताकि लोग एक दूसरे का बेहतर ख्याल रख सकें। में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।